गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा, आज हम जैसलमेर की ट्रिप रोड ट्रिप शुरू कर रहे हैं और आप भी हमारे साथ बने रहें और इस रोड ट्रिप का आनंद लें। और हमारी धन्नो भी रोड ट्रिप पर जाने के लिए बिल्कुल रेडी है, देखिए आप देख सकते हैं। हमारी धन्नो बिल्कुल रोड ट्रिप पर जाने के लिए तैयार है और रास्ते में जो भी अच्छे नज़ारे होंगे हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, तो प्लीज़ स्टे ट्यून विथ अस। ये देखिए हमारी धन्नो बिल्कुल तैयार है, डीजल विजल मैंने रात को ही इसका फुल करा लिया था। धन्नो ऑल सेट, तो बने रहें और जैसलमेर की ट्रिप का आनंद लें। तो मे भी हम रात तक जैसलमेर पहुंच जाएंगे और आपको रास्ते के सारे नज़ारे भी दिखाते जाएंगे और आप भी बताइएगा आपको रास्ते के नज़ारे कैसे लगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं जैसलमेर की रोड ट्रिप। ऑन द वे है रतलाम की तरफ, वी आर गोइंग टू वर्ड्स रतलाम। आप देख सकते हैं चलिए फिर आपसे मिलते हैं ब्रेकफास्ट में, कहीं रुक के ब्रेकफास्ट इंजॉय करेंगे, तो मिलते हैं कुछ ही देर में ब्रेकफास्ट पे। ये देखिए व्यूअर्स, सनराइज़ होने वाला है थोड़ी ही देर में। सनराइज़ का एक खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं, देखिए बहुत ही जबर नज़ारा है गुरु, ये बिल्कुल देखिए आप बिल्कुल मेसमराइजिंग व्यू है अर्ली मॉर्निंग सनराइज का। देखिए आप भी आनंद उठाइए इसका। ये अभी हमने 100 किलोमीटर कवर कर लिए हैं और अभी तक रोड काफ़ी स्मूथ मिला है। देखिए सूर्य अपनी लालिमा बिखेरता हुआ स्पीडोमीटर, आप देख सकते हैं अभी तक हमने 100 किलोमीटर अभी तक हमने कवर कर लिए हैं और हम ऑलमोस्ट रतलाम पहुंचने वाले हैं। तो ब्रेकफास्ट रतलाम के बाद ही कहीं रुक के किया जाएगा और देखते हैं हमें ब्रेकफास्ट में कहाँ क्या मिलता है। रतलाम के पास एक गेंद ढाबा बड़ा फेमस है, तो चलिए वहीं ट्राई करते हैं वहाँ का ब्रेकफास्ट और आपको बताते हैं कि वहाँ का ब्रेकफास्ट कैसा है। ये शायद बदनावर टोल प्लाजा है, चलिए देखते हैं हमारा फास्टैग कितनी तेज़ी से काम करता है। ये हमारा आज इस ट्रिप का तीसरा टोल प्लाजा है। फास्टैग इज वर्किंग वेरी वेल, आई हैव एयरटेल फास्टैग। ये देखिए गाइस, ये हमारे इस ट्रिप का चौथा टोल प्लाजा, चलिए देखते हैं यहाँ हमारा कितना चार्ज करता है, कितना टोल कटता है। रतलाम 16 किलोमीटर, जावरा 62 किलोमीटर, नीमच 151 किलोमीटर टू गो। चलिए गाइस देखते हैं हमारा यहाँ कितना टोल कटता है, यहाँ तो काफ़ी लंबी लाइन लगी है। ये भी टोल, हमारा कितना टोल कटता है। सुबह हो चुकी है,
अभी 140 किलोमीटर कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट। चलिए फास्टैग का भी अच्छा काम कर रहा है, ये देखिए मुंबई टू दिल्ली एक्सप्रेसवे। हाय दोस्तों, अभी हम यहाँ पे जैन ढाबे पर रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए और हम अभी अंदर रेस्टोरेंट में जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और आपको भी बताते हैं कि यहाँ ब्रेकफास्ट में क्या क्या आइटम अवेलेबल है। और चलिए टेस्ट करते हैं यहाँ का ब्रेकफास्ट कैसा है, आपको बताएंगे यहाँ का ब्रेकफास्ट हमें कैसा लगा। और आप भी कमेंट्स करके बताइए, कभी आप यहाँ आए हो तो आपने कभी यहाँ ब्रेकफास्ट किया। ये जावरा से 1 किलोमीटर आगे, तो अभी हम यहाँ आए, जब तक आप देखिए यहाँ का व्यू कैसा है। आप देख सकते हैं ढाबे का इंटरफेस तो काफ़ी अच्छा है, ऐसा लगता है कि वेरी लग्जरियस ढाबा है। यहाँ पे कुछ टॉय शॉप्स भी हैं, आप देख सकते हैं। बच्चों के लिए भी काफ़ी कुछ है और काफ़ी गाड़ी पार्किंग हुई हुई है यहाँ, अच्छा बड़ा पार्किंग स्पेस है, आप देख सकते हैं। आप चेकआउट कर सकते हैं, जब कभी आपका इस रोड से जाना हो तो आप इस ढाबे को चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ढाबा है। ऐसा लगता है यहाँ काफ़ी वैरायटीज़ है ब्रेकफास्ट के लिए। और अंदर एक रेस्टोरेंट भी है फास्ट फूड, देख सकते हैं आप। क्या क्या ले रहे हो? भैया आपका स्पेशल क्या है? समोसा कचौरी और खमण का बॉय। खमण भी ले, खमण का टोकन पोहा स्पेशल, देख सकते हैं आप। भैया बता रहे हैं कि यहाँ का पोहा स्पेशल है। चलिए टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसा टेस्ट है। ये इनका किचन है जहाँ पे सारी डिश प्रिपेयर होती है। ये देखिए दोस्तों, अब हम समोसे कचौरी और पोहे को एंजॉय कर रहे हैं और वाकई में जैसा भैया ने बताया था पोहे काफ़ी टेस्टी हैं। जब कभी भी आप इस रोड से निकले आप चेकआउट कर सकते हैं और सारी चीज़ों की यहाँ फैसिलिटी अच्छी है, सिटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं, और काफ़ी हाइजीनिक है। तो गाइज़ हमने अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लिया है और अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो चले अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हमें क्या नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ब्रेकफास्ट मैं कहूँगा ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा था और मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप जब कभी इस हाईवे से गुजरे तो आप इस रेस्टोरेंट को ज़रूर चेकआउट करें। जैसा कि भैया ने बताया था कि यहाँ का पोहा बहुत फेमस है, तो वाकई में पोहा बहुत टेस्टी था और समोसा और कचौरी बहुत टेस्टी था, तो आप जब भी आए तो इस रेस्टोरेंट को जरूर चेकआउट करें। ये देखिएगा आज हम हमारी गाड़ी का पीयूसी बनवा रहे हैं, भैया हमारी गाड़ी का पीयूसी बनवा रहे हैं। ये खड़ी है हमारी गाड़ी, चेक करना किधर लगूँ गाड़ी। हमारा पांचवा टोल टैक्स हमारे सामने आ रहा है, ये आज का हमारा पांचवा टोल टैक्स, देखते हैं यहाँ से कितना टोल टैक्स लिया जाता है।
का पांचवा टोल टैक्स। फ्रेंड्स यहाँ का 47 रुपीज टोल टैक्स है, लेकिन देखिए गाइस ये हमारा छठा टोल टैक्स आ चुका है। अब हम इस पे देखते हैं हमारा कितना टोल टैक्स कटेगा। शो नहीं गया, बाद में डिस्क्रिप्शन में डालूंगा इसमें कितना टैक्स कटा है। हम अभी इस वक्त चित्तौड़गढ़ के आउटर रिंग रोड पर हैं, आउटर बाईपास पे, और यहाँ आप देख सकते हैं कितने बाईपास है चारों तरफ। ये देखिए आप देख सकते आपने देखा कितना स्मूथ रोड है, 100 kmph की स्पीड यहाँ पे अलाउड है, लेकिन रोड की क्वालिटी A1 है, ना कोई स्पीड ब्रेकर ना कोई पॉट होल कुछ नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड और बिल्कुल सपाट मक्खन रोड इसे कहा जाता है ना, मक्खन रोड अपनी देसी लैंग्वेज में मक्खन रोड, जबर रोड जबर। 100 की स्पीड का तो इस रोड पर कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि अपन 100 की स्पीड अचीव कर ली है। गाइस अभी यहाँ हम स्ट्रेचिंग के लिए रुके हैं, अभी हमने सलंग कंटिन्यू 300 किलोमीटर का ड्राइव किया है और अभी हम यहाँ थोड़ा स्ट्रेचिंग के स्ट्रेच के लिए रुके हैं और थोड़ी कॉफ़ी भी पी रहे हैं। और देखिए यहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा है और बहुत ही स्मूथ हाईवे, बहुत स्मूथ हाईवे है। आपको कभी आप इधर आओ तो आप इस पर ड्राइव करना, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत स्मूथ हाईवे। ये देखिए आप, और इस हाईवे पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। ये देखिए आप, ये खड़ी अपनी धरनों, सब स्टेशन के लिए बाहर आ रहे हैं, तो बैठे बैठे सब थक गए हैं। ये लिटिल चैम भी बाहर आ रहा है, ये देखिए आप देख सकते हैं, इधर देखो लिटिल चैम, तो लिटिल चैम शर्मा रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद ये ब्लॉगिंग करेंगे। और मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा जब भी राजस्थान आए तो इस रोड की ड्राइव जरूर एंजॉय करें, आपको एक्सप्रेस वे का मज़ा इस रोड पर मिलेगा। ये एक्सप्रेस वे तो नहीं है लेकिन एक्सप्रेस वे का मज़ा आपको इस रोड पर मिलेगा, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ इस रोड पर आप ड्राइव करें और अपने
अपनी गाड़ी की परफॉर्मेंस को भी चेक करें इस रोड पर कि आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी आपको मिलती है। अब हम कहीं लंच करेंगे, फिर आपसे मिलते हैं, देखते हैं यहाँ पे लंच में हमें क्या खाने को मिलता है। और यहाँ का मुझे लगता है यहाँ का फेमस डिश दाल बाटी चूरमा है, यही हमें लंच में खाने के लिए मिलेगा। देखते हैं कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में, फैमिली रेस्टोरेंट में ट्राई करते हैं और खा के देखते हैं यहाँ पे लंच। अभी हम यहाँ रुके हैं जाम खाने के लिए, हमें लगा कि यहाँ जाम अच्छे मिल रहे हैं तो हमने जाम खाने के लिए रुके हैं। हमारी मैडम जाम ले रही हैं, देखिए आप भी देख सकते हैं जाम जाम बन। भैया कहाँ के जाम है? हमारे गुलाबरा भी है। गुलाबरा आप देख सकते हैं जाम काफ़ी टेस्टी है, मीठे जाम है, खट्टापन भी है जाम का। मैं सब जगह जाम के ठेले खड़े हैं, देखिए आप। मैं आपको ले जाता हूँ आगे भी, देखिए जाम के ठेले खड़े हैं, देख सकते हैं जामफल के ठेले चारों तरफ खड़े हैं। और ये कुछ हाईवे का नज़ारा, ये सर्विस लाइन, ये कुछ हाईवे का नज़ारा। हाईवे सपाट हाईवे, ये देखिए गाइस हमने हाईवे छोड़ दिया और गांव के बाईपास पे चल रहे हैं। जो व्यू देखिए आप, क्या जैसलमेर, देखिए आप क्या मेसमराइजिंग व्यू है, जबर व्यू है गुरु जबर। हेलो गाइस, अभी हम एक पेट्रोल पंप पर वॉशरूम यूज़ करने के लिए रुके हैं और अभी जोधपुर यहाँ से 100 किलोमीटर्स और बाकी है, तो मे बी 2 घंटे में हम इसको कवर कर लेंगे, 1.5 से 2 घंटे में। और जोधपुर से फिर नेक्स्ट प्लान बनाएंगे कि जैसलमेर आज जाएं कि कल जाएं, तो देखते हैं क्या प्लान होता है और आपको भी बताएंगे कि जैसलमेर आज जा रहे हैं कल। और ये जो हाईवे हमने लिया है ये बिल्कुल ब्रांड न्यू हाईवे है, लास्ट टाइम जब मैंने विज़िट किया था तो मैं दूसरे हाईवे से गया था, वो भी हाईवे अच्छा था लेकिन ये न्यू हाईवे है बिल्कुल, और इस पर ट्रैफिक भी बहुत कम है, बहुत कम ट्रैफिक है और बिल्कुल बटरी स्मूथ हाईवे है ये देखिए आप देख सकते हैं। इस पर किसी तरह कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, बहुत कम गाड़ियाँ चल रही है, ये बाड़मेर हाईवे सीधा बाड़मेर जा रहा है, ये यहाँ से बाड़मेर है 300 और यहाँ से बाड़मेर है 3 किलोमीटर बाड़मेर एंड 100 किलो, और यहाँ से 100 किलोमीटर है आपका जोधपुर। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं टूवर्ड्स जोधपुर और देखते हैं कि आज हम जैसलमेर पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते हैं। आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जैसलमेर पहुंच जाएं क्योंकि हमें कल सम डिज़र्ट जाना है, वहां पे हमारी सम डिज़र्ट में कल हमारी बुकिंग है ओसिस डिज़र्ट कैंप में विथ लंच एंड ब्रेकफास्ट,
और कल वहाँ का भी आपको दिखाएंगे, वहाँ का भी रूम टूर देंगे कैसा रूम है। और आज नाइट हम जैसलमेर में रुकने का सोच रहे हैं, देखते हैं क्या होता है कि आज हम जैसलमेर में रुकते हैं कि जोधपुर में रुकते हैं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं टूवर्ड्स जोधपुर। रोड पर ड्राइव करने का काफ़ी सीनिक व्यू मिलता है और स्पेशली अगर आप मानसून में आएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा सीनिक लुक देखने को मिलेगा। आप कमेंट्स में ही बताइए आपको इस कैमरे की पिक्चर क्वालिटी कैसी लगी। ये हमारा GoPro Hero 11 जिससे हम अभी ये वीडियो शूट कर रहे हैं। बड़े जबरदस्त नज़ारे हैं, आपको भी देख के अच्छा लगा होगा। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे इस व्यू को। और मेरे बोलने में कुछ गलती हो गई तो माफ़ करिएगा, क्योंकि हमने अभी नई नई ब्लॉगिंग शुरू की है। तो चलिए बने रहिए गाइस।